छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार बसंत साहू के 50वें जन्मदिन पर सम्मान समारोह व 3 दिवसीय 22 नवंबर से 24 नवंबर तक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया है। यह आयोजन बसंत फाउंडेशन कुरुत के तत्वाधान में किया गया। मंगल भवन कुरुत जिला धमतरी में सम्मान समारोह व 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि धमतरी जिला के कलेक्टर पीएस एल्मा व आमंत्रित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मैं आज विशेष दिन है मेरे लिए और इस विशेष दिन पर आके सबने मुझे बधाई दी, मेरे जन्म उत्सव मनाए, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस पेंटिंग को आके देखें और बहुत अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि लगना तो 100 पेंटिंग था लेकिन यहाँ 50 से 55 पेंटिंग लगा हुआ है और निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, काम करने का जज्बा आएगा उनमें। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और 27 पहले जो मैं शुरुआत किया था और आज जब लोग देख के मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे उसका फल मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, शरीर भले विकलांग हो जाए लेकिन हमारी आत्मा कभी विकलांग नहीं होती है। मेरी आत्मा की सकारात्मक सोच से ही यह सभी काम कर पा रहा हूँ। उक्त बातें आज छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार बसंत साहू ने चित्रकला प्रदर्शनी के शुभ अवसर पर कही है। उन्होंने आगे कहा, मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं अधिक बुरा है। श्री साहू के द्वारा कही यह लाइन सभी के लिए प्रेरणादायक है। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लेकिन शरीर भले विकलांग हो जाए लेकिन आत्मा हमारी विकलांग नहीं होता। तो मैं भले मेरी इंद्रियां निष्क्रिय हैं लेकिन मेरी आत्मा आज भी पूरी तरह सकारात्मक सोच रख के ये सब काम कर रही है। श्री साहू ने शासन प्रशासन से मांग की है कि मुझे केयर टेकर की बहुत जरूरत है, इस ओर ध्यान देने का विशेष आग्रह किया है। निश्चित रूप से मैं शासन से मांग करना चाहूँगा कि हर एक क्षण मुझे केयर टेकर की आवश्यकता पड़ती है और मैं इतना लंबा समय तक ये सब चीज़ वाहन किया हूँ, आगे मुझे काम करने के लिए शासन से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें, बिना उनके मदद से मैं आगे और कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। चित्रकला प्रदर्शनी देखने के लिए जिला धमतरी, रायपुर, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर के साथ प्रदेश भर से कला प्रेमी आ रहे हैं। चित्रकार बसंत साहू के जीवंत चित्रकला को देखने के साथ साथ उनसे मिलकर उनको और करीब से जानने का मौका प्रदर्शनी के माध्यम से मिला है। उनके जीवन के संघर्ष के पलों को जानने व जीवन जीने की पॉजिटिव बातें सभी को काफ़ी प्रेरणा दे रही है। आज श्री बसंत साहू जी का 50वें जन्मदिवस के अवसर पर बसंत फाउंडेशन ने उनके बेहतरीन पेंटिंग्स को आम जनता के अवलोकन के लिए लगाया है। श्री साहू जी दिव्यांगता के होने के बाद भी उनके पास एक विलक्षण अद्भुत प्रतिभा है जो पेंटिंग के क्षेत्र में कुरुद, छत्तीसगढ़, देश नहीं बल्कि विश्व में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इनको हम लोग उनके 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनका जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल रहे और हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने भविष्य के लिए। उनको देखकर जितने भी कलाकार जो कलाकृति बनाने वाले हैं, पेंटिंग बनाने वाले हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा। पूरा जिलेवासियों की ओर से मैं पुनः उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उनकी पेंटिंग का अवलोकन के लिए जितना भी हमारे रुचि रखने वाले हैं वो आके अवलोकन करें। 3 दिन यहाँ पर पेंटिंग लगाई गई है। श्री शर्मा जी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बसंत जी को उनके 50वें जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयां देना चाहूँगा। बसंत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैं उनको पिछले ऑलमोस्ट 5-7 साल से जानता हूँ।
और उनसे जब मैं मिला तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे मिल पाया, और मैं भी अपने कैरियर की शुरुआती दौर में था और उनसे मिलकर मुझे जो एक बूस्ट चाहिए था गाना चाहिए वो मिला मुझे। उनको मैंने देखकर ही जाना कि एक बेहतरीन कलाकार तो हैं ही वो, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान हैं। और उनका वाक्य जो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, मेरा यकीन करिए उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं अधिक बुरा है, ये बात तो मैंने अपने दिल में बसा के रख ली है। तो और उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए किसी को भी। एक और चीज़ उनके बारे में अभी मैं रिसेंटली महसूस किया मैंने, उसके बारे में जो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के लिए कभी किसी को कोसा नहीं, उसको एक अवसर, एक ईश्वर प्रदत्त अवसर की तरह उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, यूटिलाइज़ किया, और उसके लिए भी थैंकफुल हैं वो, उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद बोलते हैं कि चलो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ करेगा। और यही बात मुझे उनके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर चीज़ को ईश्वर का एक वरदान, एक गिफ्ट, एक चैलेंज समझ के उन्होंने लिया और उसको एक बहुत ही सुंदर चीज़ में परिवर्तित कर दिया। दोबारा मैं उनको उनके 50वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। वो 100 साल तक जिए और एक से एक बढ़कर रचनाओं, पेंटिंग वगैरह बनाते रहें। मैं सभी प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे अंचल में इतनी प्रतिभाएँ हैं, इतनी प्रतिभाएँ हैं, इतनी प्रतिभाएँ हैं कि उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और ये प्रतिभाएँ हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे आस पास ही हैं, पहुँच के अंदर हैं। कुरुद वेल कनेक्टेड है, अंचल के लोग अगर चाहें तो यहाँ तक आ भी सकते हैं, प्रत्यक्ष उनकी प्रदर्शनी में उनके चित्रों को देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और मेरा मानना है कि उनकी पेंटिंग से कहीं ज़्यादा प्रेरणादायक वो स्वयं हैं। उनसे मिलें, उनसे बातें करें और समझें कि कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना है।